महाराजगंज के सोनोली नगर पंचायत में गौशाला की दुर्व्यवस्था, लगातार गायों की मौत, अनियमितता, भ्रष्टाचार समेत तमाम मुद्दों को लेकर बृहस्पतिवार को सोनाली नगर पंचायत के लोगों समेत समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जिलाधिकारी से शिकायत की और इस संदर्भ में कार्रवाई की मांग की। जिलाधिकारी के नाम का शिकायती पत्र अपर SDM प्रतिष्ठा यादव को सौंपा गया और शिकायत की नगर के वार्ड नंबर 1 अंबेडकर नगर में रोड से आइडियल पब्लिक स्कूल के पूर्व में बने CC रोड का टेंडर नए तरीके से कर 15 वित्त के धन को अपने चहेते ठेकेदारों को देकर बंदरबांट किया गया। आदर्श नगर पंचायत सोनोली में बड़े पैमाने पर हो रहे लूट और भ्रष्टाचार के मुद्दे पर हमने माननीय जिलाधिकारी महोदय जी को ज्ञापन दिया है। आदर्श नगर पंचायत सोनोली कान्हा गौशाला में निरंतर गायें चारे के बिना दम तोड़ रही हैं, दवा के इलाज अभाव में दम तोड़ रही हैं एवं आदर्श नगर पंचायत सोनोली में अटैचमेंट पे कार्यरत स्थानांतरण नीति नियम के विरुद्ध 7 वर्षों से तैनात वरिष्ठ लिपिक संजय श्रीवास्तव जो सब भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा जिम्मेदार व्यक्ति है। नगर पंचायत के अंदर आउटसोर्सिंग के माध्यम से चहेते रिश्तेदारों को अवैध भर्ती करके बिना कार्यों के वेतन की भुगतानी की जा रही है एवं पुराने कार्यों को नया टेंडर करके पैसा निकालने का, ऐसे बहुत सारे विभिन्न मुद्दे हैं जो बहुत गंभीर हैं। मैंने इससे पूर्व में भी नौतनवा तहसील में माननीय उपजिलाधिकारी महोदय को ज्ञापन दिया था, वहाँ से कोई कार्रवाई ना होने के कारण आज हम पुनः माननीय जिलाध्यक्ष विद्यासागर यादव जी के नेतृत्व में माननीय जिलाधिकारी महोदय को ज्ञापन दिया। अगर इस पर कार्रवाई नहीं हुई तो आगे का हम लोग बहुत बड़े आंदोलन एवं अमर अनशन करने के लिए बाध्य होंगे। जिस बड़े बाहू पे आप गंभीर आरोप लगा रहे हैं वो कितने वर्षों से तैनात है? वो निरंतर अटैचमेंट पे जिसकी वेतन नौतनवा से है वो 7 वर्षों से तैनात है, जबकि स्थानांतरण नीति नियम में 3 वर्षों से अधिक एक जिले में कोई भी खा और गाँव वर्ग का कर्मचारी तैनात नहीं रह सकता है। इसका नेतृत्व सपा जिलाध्यक्ष विद्यासागर यादव और सोनोली नगर पंचायत अध्यक्ष पद के पूर्व सपा प्रत्याशी बैजू यादव ने किया। ब्यूरो रिपोर्ट, डायनामाइट न्यूज़, महाराजगंज।